और सामने व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या एनओसी का कानून ख़त्म हो गया है। ओमान टाइम्स ने एक आर्टिकल पिछले दिनों छापा था जिसमें ये कहा गया था कि अब एनओसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के ज़ाती तजुर्बात इस बात की गवाही देते हैं कि जब वो वीज़ा लगवाने जाते हैं तो उनसे एनओसी मांगा जाता है, यानी अब भी एनओसी मस्ट है। वो लोग जिन्होंने 2-4 साल पहले ओमान छोड़ दिया था, कैंसर पर चले गए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी केस नहीं है, कोई बड़ी एलिगेशन नहीं है, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं ओमान के लिए वीज़ा। बहुत उम्मीद है कि उनको वीज़ा एक्सेप्ट किया जाए। और जहाँ तक एनओसी की बात है तो एनओसी का को फॉर्मली तो कह दिया गया है कि ख़त्म है, लेकिन ख़त्म नहीं है, एनओसी अब भी रिक्वायरमेंट का हिस्सा ज़रूर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और आपके सवालात के जवाब पर मबनी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ओमान न्यूज़ अपडेट चैनल से। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।